एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं मीम ऑफ द ईयर एपिसोड 2 बाय समर की पाठशाला। समर की पाठशाला की नई वीडियो आ चुकी है एंड आल्सो मतलब बहुत ज्यादा जल्दी आ चुकी है। मतलब सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आएगा फिर देश करने का एपिसोड 2 के बाद। तो टुडे वी आर अगेन हियर और ये MOTY बेसिकली मीम ऑफ द ईयर का एपिसोड 2 है। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। Hey y'all, come look at this. Okay. Hello. Hello. कॉल करें क्या? कॉल ही ना करो। फ्री हो ना? हाँ। कॉल करें क्या? अरे फिर कॉल करके ना। बताओ ना। क्या? कॉल करें क्या? कॉल ही ना करो। अगल बगल कोई है नहीं ना? नहीं। कॉल करें क्या? तो कॉल ही ना करो। अरे सच सच बोलो ना। क्या कॉल करी? अरे तो कर ना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो क्या हाल है? वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मोटी। यार सच बताऊं ना तो इस सीरीज की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और हमें करे हुए इस सीरीज को 3 महीने भी हो गए हैं। वाह भाई वाह, इतना आलसी हूँ यार मैं। वैसे इसके फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हाँ तो भाइयों, मीम ऑफ द ईयर अध्याय 2 का आरंभ करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कभी कभी स्पोर्ट्स देखना काफी बोरिंग होता है। जब आप उसी गेम में प्रिडिक्शन करने लग जाते हो तो वही गेम आपको एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग लगने लगता है। सो परी मैच इज एन प्लेटफॉर्म जहां आपको बहुत सारी चैंपियनशिप मिल जाएंगी, जहां पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। और आजकल तो IPL भी चल रहे हैं क्या? परी मैच एक ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है जिसमें आपको कई सारे प्रकार के स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, लाइक टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। परी मैच आपको मिनिमम डिपॉजिट के साथ साथ फास्ट विथड्रॉल भी ऑफर करता है और साथ ही इनका 24/7 जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी काफी है। परी मैच एक इंटरनेशनल ब्रांड है विद 27 ईयर हिस्ट्री एंड टॉप स्पॉन्सरशिप लाइक जुवेंटस, लीसेस्टर सिटी, UFC और इनका ब्रांड एम्बेसडर डेल स्टेन है। परी मैच ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कबड्डी पर भी बैट लगा सकते हो। अब तो परी मैच अपने यूजर्स को कैशबैक भी ऑफर कर रहा है। सो गूगल पर जाके parimatch.in टाइप करो एंड गेट योर एक्सक्लूसिव वेलकम बोनस अप टू 15,000। सो डोंट मिस योर चांस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब एक जरूरी बात, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रिडिक्शन ऐप है तो जरूरी नहीं है आप इसमें हर बार जीतोगे ही, आप इसमें हार भी सकते हो। सो अगर आप ऑनलाइन प्रिडिक्शन में इंटरेस्ट रखते हो तो आप परी मैच को ट्राई कर सकते हो। हाँ तो भाई लोग देखते हैं आप लोगों ने कौन कौन से मीम्स भेजे हैं मुझे। पहला मीम, एनी स्पेशल टैलेंट, आई कैन टेल द नेम ऑफ द पॉर्न स्टार बाय जस्ट लिसनिंग टू द वॉइस। ओह माय गॉड, अबे तुम लोग कितना ठरकी समझते हो यार मुझे। अबे आवाज सुन के कौन किसका नाम बता सकता है यार? फोटो देखकर तो एक बार को मैं बता भी दूं लेकिन आवाज सुन के कदाप ही नहीं भाई। अबे ये कोई शब्द वेदी बाण विद्या थोड़ी है जो मैं आवाज सुन के बता दूं। पूरी वीडियो में तो वो चिल्लाती रहती है, अब उनकी चिल्लाहट सुन के कोई आवाज बता दे भाई, इतना टैलेंट, इतना भी घोट कर नहीं पिया भाई साहब। अगला मीम, फेसबुक पर हुआ था प्यार लेकिन फेक आईडी निकली बट प्यार सच्चा था। अबे मानता हूँ मैं सिंगल हूँ लेकिन इतना भी सिंगल नहीं हूँ भाई साहब, बुजुर्गों के साथ इश्क फरमाता फिर। नेक्स्ट मीम, द रीजन व्हाई कपल्स बुक कॉर्नर सीट्स इन मूवी थिएटर, बॉयज हॉर्न बजाने के लिए और गर्ल्स माइक पकड़ के गाना गाने के लिए। भाई मैं उन नसीबों में से हूँ जो कभी लड़की के साथ मूवी देखने नहीं गया, तो हॉर्न बजाने का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। और जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ पहले एक हॉल था और उस हॉल पर दुनिया जहाँ की वो पिक्चरें लगती थी जिनका नाम जिंदगी में कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा, मतलब निखालस ठरकी मूवी जैसे ये जंगल में ओए ओए। अबे काहे का ओए ओए, कुर्ता पहना के लड़की को ले आए? अबे हमें भी पता है कौन सी ओए ओए करेंगे साले। अभी और सुनिए, कच्ची जवानी पोस्टर देख रहे हो? मतलब इन सालों को सब पता है कि भाई साहब लड़की की जवानी कच्ची है कि पक्की है। और सुनो, प्यासा दरिंदा पोस्टर देख के समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि दरिंदा किस चीज का है। बेटा इस मूवी में असली मजे तो दरिंदा ही ले गया होगा, ऐसी मूवी लगती थी मेरे यहाँ। और कमाल की बात तो यह है कि लोग देखते भी थे इन मूवी, और जब तक हम मूवी देखने लायक हुए तब तक साला हॉल ही बंद हो गया, तो ना हम जंगल में ओयो देख पाए ना साला कभी हॉर्न बजा पाए। वैसे मैं आप लोगों को सतर्क कर दूं, जो कपल भाई साहब हॉल में सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि अंधेरे का फायदा उठा के वो हॉर्न बजाएंगे करके गाना गवाएंगे, तो भाई साहब ऐसा है हॉल में ना CCTV लगा होता है, तो जो लोग सोचते हैं ना यार 3 घंटे हॉल में अंधेरे में हॉर्न बजाने को मिलेगा या अंधेरे में लड़की से माइक पकड़वा के गाना गब्बा लोगे, तो ध्यान रखना बेटा कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़की तो माइक पकड़ के गाना गा रही हो और तुम्हारे लाइव परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग देख रही हो। मैं कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। नेक्स्ट मीम, ही लुक्स लाइक मी बट ही इज नॉट माई फादर, ही इज माई नेबर।
इसी को बोलते हैं नादान परिंदा। कितना मासूम है यार ये लौंडा। जिस दिन इसको पता चलेगा ना कि इसके साथ कितना बड़ा मजाक हो गया, जो अंकल बचपन में कभी इलेक्ट्रिशियन बनके कभी प्लम्बर बनके इसकी मम्मी की मदद करते थे, असल में अंकल अपना जुगाड़ लगा रहे थे और अंकल के गुप्त मतदानों का नतीजा है यो। क्या हो रहा है? नेक्स्ट मीम। Pringles prank on my girlfriend. Let's go. एक होते हैं हरामी, एक होते हैं बड़े वाले हरामी, फिर आता है ये लौंडा। मतलब बताओ भाई साहब कितनी मेहनत करी है लौंडे ने। बोतल लाया है, नीचे से उसको काटा है, फिर उसको औजार पर फिट करा है, फिर लड़की को चिट देने के बहाने अपने काला हिरन पकड़वा दिया। नहीं एक मिनट, इसका काला थोड़ी होगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। नेक्स्ट मीम। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। बस इसके आगे की कहानी है ना, मैं आपको जीप तो ऐसे बाहर निकाल ली जैसे जॉनी भैया अभी तो मैं पोलियो की ड्रॉप पिलाने वाले होंगे। बेटा जॉनी भैया जो पिलाएगा ना उसके बाद तेरे मुंह से सिर्फ एक ही गाना निकलेगा। प्रकार बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है बच्चे की माँ की दूध, उसी प्रकार दोस्तों एक पति के लिए जरूरी है बच्चे की माँ की खुशी। पहली बात तो इस शायरी की राइमिंग ठीक नहीं है, और राइमिंग के हिसाब से जो चीज यहाँ सटीक बैठ रही है ना, असल में बच्चे के बाप को खुशी वही चीज देती है। शादी शुदा आदमी को वो खुशी ना मिले ना तो आदमी बावला हो जाता है। याद तो होगा तुमको ये वाला लौंडा। सर हमें रिपोर्ट ये लिखा रहे हैं कि हमारी बीवी हमें रोज डेली दे, हमारा मन पड़े तब दे। अल्लाह दे तो ना दे तो पुलिस केस रिपोर्ट करेंगे सर। भाई कौन धारा नहीं बनी, कौन धारा मान बोलेंगे। न्याय करो, तुम न्याय करो, सीएम डीएम के बस का कुछ नहीं। नेक्स्ट मीम। हिज लास्ट होप। क्या हो रहा है? अबे देखो इस नादान परिंदे को, इसे लग रहा है कि जैसे अभी खुल जा सिम सिम बोलेगा और चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुल जाए। अबे चैम्बर ऑफ सीक्रेट खोलने के लिए हैरी पॉटर को भी सर्प भाषा का उपयोग करना पड़ा था। खुल जा सिम सिम बोलने से खुल रही होती चीजें तो हम साले सिंगल थोड़ी बैठ जाते। वैसे इस मीम से ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है अपने बचपन का, पता नहीं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो कर देते हैं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात तब की है जब हम छोटे हुआ करते थे, है ना। तो मैं एक दिन शाम को अपने दोस्त के यहाँ गया तो उसके यहाँ ना मैगजीन थी और उस मैगजीन में एक बहुत ही हॉट लड़की की फोटो आई होती है ना। और हम लोग तो बच्चे थे यार, मतलब इतने भी बच्चे नहीं थे, मतलब समझ में सब चीज आता था लेकिन ज्ञान नहीं था इन चीजों का। तो वो जो मॉडल थी ना उसने कपड़े के नाम पर ऊपर शर्ट पहन रखी थी और नीचे स्कर्ट पहन रखी थी और वो नीचे बैठी हुई थी और स्कर्ट में था अंधेरा। फिर उस दिन हम दोनों वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक ने एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं टॉर्च जला कर देखते हैं। क्या मतलब वो टॉर्च जलाने वाला आइडिया मेरा ही था? नहीं नहीं मेरा आइडिया नहीं था वो। पता है हरामी हो बेटा। मतलब देख रहे हो कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में, उसके बाद भी लड़कियां भैया बोल जाती है। शरम बरम नहीं आती है क्या तुमको? चल Any guess what happened here last night? जिस प्रकार की अद्भुत कलाकृति हमको यहाँ दिखाई जा रही है ना, इसका मतलब यह है कि रात को यहाँ पर गुप्त मतदान हो चुका है। तो किए गए गुनाहों के निशान है, और जरूरी नहीं है ये निशान उसके बॉयफ्रेंड ने ही बनाए हो। आजकल बेस्ट फ्रेंडों के खाते ज्यादा खुल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? आप ये वाला मीम देखो। जरूरी नहीं है कि हर लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड से भी काम चला लेती है। सच बात है, आजकल फ्रेंड विद बेनिफिट वाली चीजें काफी ट्रेंडिंग में है। और हो भी क्यों ना, बिना बॉयफ्रेंड की चिक चिक के सारे काम हो रहे हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो ऐसी फ्रीडम किसे नहीं चाहिए। और अब मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं सिंगल हूँ, बॉयफ्रेंड मुझे कोई बनाती नहीं है, तो अब मैं बेस्ट फ्रेंड ही बनाऊंगा। बहुत स्कोप है भाई साहब, दोस्त है वो साला, चार लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड है यार। मैंने उसको बोला भाई तो इतनी लोड क्यों ले रहा है, थक जाएगा, एक आध लड़की का बेस्ट फ्रेंड मैं बन जाता हूँ। उसने मुझे प्यार से एक बात बोली, कहानियां सुना सुना के चढ़ाता है यार वो हमको। बस उसी दिन मैंने कसम खा ली कि भाई साहब अब से बॉयफ्रेंड बनना नहीं है, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड बनना है। तो सुनो, जो भी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो ना, छोड़ो उसको, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। कोमल सिंह मेवला इज कोला, व्हाट इज योर नेम? सुमन मगर जी कह रहे हैं आई हेट दिस गेम। सुमन का सू, मगर का अर, सुअर। नहीं बनता है, तुम्हारा हेट करना बनता है। जाहिद मर्चेंट जी कह रहे हैं पोस्ट डिलीट कर, क्यों भाई? जाहिद का ओके
भाई इसका 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 पोस्ट डिलीट करवाना बनता है। अबे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, मेरा क्या बनेगा? सम्राट शुक्ला, सम्राट का सा, शुक्ला का ला, साला। मुझे खेलना ही नहीं है ये गेम, घटिया गेम है साला। वैसे यार ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है ना, एक काम ना करें, जैसे ये नाम बन रहे हैं ना, आप लोग अपना नाम लिखो कमेंट में और मैं अगली वीडियो इसी चीज पे बनाऊंगा। तो ये पक्का रहा, अगली वीडियो आप लोगों के कमेंट्स पे ही बनेगी। खैर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और बाकी कमेंट जरूर करना। अगली वीडियो आप लोगों के कमेंट पे ही है, ध्यान रखना। बाकी अगर आप ऑनलाइन प्रीडिक्शन में इंटरेस्ट रखते हो तो आप परी मैच को ट्राई कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज द समराट शुक्ला। Over and out. Over and out. Seriously, the memes are so dangerous. Or जब वो like हमारे पंकज त्रिपाठी मतलब मेजर मिर्जा के मतलब पंकज त्रिपाठी नॉट मिर्जा मतलब सब लोगों को बताया होगा तो कालीन भैया एकदम बेसिकली पंकज त्रिपाठी सर जब आए तो हम लोग जो गाना लगा था पीछे ओ माई गॉड मुझे आज समझ में आया उस गाने का मतलब क्या है। तो आज तक समझती थी भैया ठीक है सीधा साधा सा गाना है अच्छा है नॉलेज ओ डबल मीनिंगफुल और लेकिन यार सीरियसली वीडियो में बहुत मजा आया और मैं भी शायद कमेंट करने वाली उसके नीचे तो मेरा नाम का क्या होगा कमेंट भी ना। सो दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।